सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो टक्कर क्यों मार रहे हो भाई, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। तो भाई आज आप लोगों को जो हम लोग गाड़ी दिखाने वाले हैं वो है मारुति इग्निस। अब ये भी मारुति की एक ऐसी गाड़ी है जिसके लिए बहुत सारे लोग जो है मॉड्स ढूंढते हैं और कहते हैं कि क्या क्या करा सकते हैं। ऑल्दो अगर आप लोग इग्निस की तरफ देखते हो तो अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट कार की वर्किंग भी करने वाले हैं जो कि आपको आने वाले वीडियोस में जो है देखने को मिल जाएगा। और अगर आप गाड़ी के बारे में बात करते हो तो भैया गाड़ी जो है भैया ने कितने दिन पहले लिए, कितने टाइम पहले लिए भाई? मैंने 30 दिसंबर को लिया। 30 दिसंबर को लिया, ठीक है भाई, जिस दिन मेरी बेटी हुई थी, ठीक है। तो भाई गाड़ी जो है भाई की बिल्कुल लोडेड जो है स्टार्टिंग में नहीं थी, अब जो है लोडेड कर दिया। पहले बताओ ये वेरिएंट कौन सा है भाई? ये बेस वेरिएंट है, सिग्मा। सिग्मा वेरिएंट है, हमने बेस टू टॉप बनवाया विजय भैया से। विजय भैया, सबसे जरूरी चीज जो हम कस्टमर से पूछे कि सर आपने कितने रुपए की ये गाड़ी खरीदी थी? मेरे को ये ऑन रोड पड़ी थी 540 की, डिस्काउंट चल रहा था। 5,40,000 रुपए की। आपने 2022 की ली है 23 की ली है? ये 2022 की है। ये मैन्युफैक्चरिंग 2022 है, रजिस्टर्ड 2023 है, ठीक है। तो भाई ये गाड़ी भैया ने 540 की खरीदी और कितने पैसे लगाए ऊपर से? इसमें 90,000 लगे, 90,000 रुपए भैया ने लगाया, ठीक है। इस 90,000 को जस्टिफाई करना है आज की वीडियो में, तो वो हम लोग अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज बताओ भैया क्या किया इसमें आगे से? तो भैया इसमें जैसे इसमें फॉग लैंप नहीं आते अपने, ठीक है, ये बेसिक आता है, यहाँ पे नॉर्मल कवर लगा होता है। इसमें हमने IPS का प्रोजेक्टर लगाया, ठीक है, विद LED, हेडलैम्प में भी LED डाली है, ठीक है, जो 150 वाट की है, ठीक है। अब मैं एक चीज इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अब भैया ने जैसे वर्ड बोला IPS का प्रोजेक्टर, भाई IPS का प्रोजेक्टर बोलना बंद कर दो। उसका रीजन क्या है, बहुत सारे लोग व्यूअर्स इसको देखते हैं, अब है क्या IPS का प्रोजेक्टर कॉपी भी होके आता है, ठीक है भाई, तो कॉपी होके आता है। तो IPS वर्ड अब आप लोग प्लीज, मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा, इसको आप लोग प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स की तरह समझा करो, ठीक है। इसमें इनके पास ब्लू लेंस भी अवेलेबल है, ठीक है, दोनों क्वालिटी में अवेलेबल है। ब्लू लेंस का क्या फायदा है, वो रात को और अच्छा आउटपुट देता है, ठीक है। तो हेडलैम्प और फॉग लैम्प में जो है इन्होंने अपग्रेड किया है LED का, और इसी LED को जो है इन्होंने लगाया है, ठीक है भैया, सही कह रहे हो, क्या कह रहे थे बताओ? नहीं, नहीं, कुछ बताते हैं। भैया भी हमारे साथ है, जो भाई साथ है, एक बार नाम बता दीजिए। आयुष भाई भी हमारे साथ है, आपका नाम नहीं पूछा भाई। सुयश भाई हमारे साथ है, ठीक है। तो फ्रंट से जो है यही अपग्रेड हुआ है, कुछ और भी हुआ है? नहीं, फ्रंट से यही हुआ है, ठीक है। तो ये फ्रंट का अपग्रेड आप लोगों को समझ आ गया, 150 वाट, जैसे आज के टाइम पे चल रही है, कई सारे लोग 50 वाट वाली को भी 150 बोल देते हैं, तो ये 150 ईच है या 150 टोटल है? टोटल 150, ठीक है भैया, टोटल 150 हो सकता है, नहीं तो अगर एक 150 होगा और एक 150 होगा तो ये फट जाएगी, ठीक है, लाइट में आग लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। और क्या इसके लिए हमें फ्यूज चेंज करना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर हम 150 से ऊपर जाएंगे तब फ्यूज चेंज होंगे? नहीं, उसमें भी नहीं करना पड़ता, LED में कोई नहीं होता क्योंकि पावर उतना कुछ नहीं लेता ये, ठीक है, तो, होता है, ठीक है। तो ये चीज सही क्वालिटी बताइए आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, हमारी चाबी तो दिखाओ पहले, चाबी ये नॉर्मल आती है, हमने फ्लिप की में कन्वर्ट कर दी, ठीक है भाई। इस गाड़ी की जो चाबी आती है वो एक नॉर्मल की आती थी, उसको हमने फ्लिप की बनाया, साथ ही साथ में सेंट्रल लॉक भी इसका जो है वो इंस्टॉल किया है। मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा कि अगर आप लोग लगा रहे हो, अब RD तो एक ब्रांड इन्होंने बता दिया, ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो आपको अवेलेबल कराते हैं, कई सारे लोग आपको चाबी भी दे देते हैं, बस आप लोग आगे की लगानी है और आपका काम जो है बन जाएगा। अब अगर आप लोग इस तरीके की आवाज नहीं चाहते तो क्या इसमें हॉर्न कनेक्ट हो जाते हैं? हो जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसकी जगह आप हॉर्न कनेक्ट करा लें। लेट हो गया, और अगर अभी भी भैया कर देंगे तो मैं अभी भी करवा लूंगा। कर दोगे भाई? ठीक है भाई, तो भैया के हॉर्न कनेक्ट कर दो, क्योंकि मैं भैया को अच्छे मॉडिफिकेशन के साथ भेजना चाहता हूँ। मुझे भी ये थोड़ी आवाज, ठीक है, मेरे को थोड़ी इरिटेटिंग लगती है भाई, ठीक है, बहुत अजीब सी, तो भैया को हम रिले के साथ में हॉर्न जोड़ के जो है इसमें अवेलेबल करा देंगे। अब नेक्स्ट मॉड जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। इस गाड़ी में आप लोगों को साइड मिरर के नाम पे कुछ भी मतलब वैसा नहीं मिलता जिसमें आपका कुछ मोशन वोशन होता है, बेस मॉडल में आपका ये पहचान होती है। अब भैया को मैं एक चीज और रिकमेंड करूंगा, अभी तो नई गाड़ी है, थोड़ा 1-1.5 महीने पुरानी हो जाए, उसके बाद इस इंडिकेटर को आप अंदर करवा लेना, अंदर बंधवा देना, और इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया इनके पास स्टिकर पड़े होते हैं या फिर कुछ पड़ा होता है वो लगा देना, जिससे ये बेस मॉडल पता नहीं चलेगी, ठीक है। सही रिकमेंडेशन बोल दिया, ठीक है। ये तो अभी हाथों हाथ भी हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी कोई महंगी चीज नहीं है, ये अच्छा सौदा है भाई। मैं आपको अच्छी चीज रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको गलत चीज मैं आपको बोलूंगा नहीं, ठीक है। अब जैसे आपने अनलॉक किया, ये आपका साइड मिरर ओपन होता है। अब इसमें ऑलरेडी इंडिकेटर है, इसलिए मैं इस इंडिकेटर को बंद करने के लिए कह रहा हूँ। इस इंडिकेटर को आप जब भी बंद करवाइए, अंदर टाई बेल्ट जरूर बंधवाइए, जो इसका मेन सॉकेट होता है उसमें आप बल्ब आपको छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि नहीं तो ये हाइपर फ्लैशिंग करने लग जाता है। कई बार इनके पास ऐसे जुगाड़ भी होते हैं जिससे हाइपर फ्लैशिंग बंद हो जाती है, और वो सही तरीके से बंद करके ना आपकी वारंटी वॉइड होगी, ना तरीके का करंट कोई आपका फैलेगा। अब यहाँ पर जो हमने साइड मिरर फोल्डेबल लगाया है, ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन है, हाँ जेन्युइन आता है ये,
ये ब्लैक आता है, ग्लोसी ब्लैक टाइप में आता है, ठीक है। तो भैया ने इसको बॉडी कलर कराया, सेम बॉडी कलर कराया, लेकिन ये फोल्डेबल नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता, कुछ था कुछ भी नहीं आता था, हाथ से बंद होता था, बस यूं हाथ से पकड़ के जैसे ठीक है भाई। आप लोगों के सामने है, कलर तो यही आता है बट वो फोल्डेबल नहीं होता और ना ही वो एडजस्टेबल है, ठीक है भाई। तो भैया ने कर दिया, तो ये कलर तो ब्लैक आता होगा ना इसमें? नहीं, इसमें ब्लैक आता है, ठीक है। कंपनी से आया था वो सेम कलर, ठीक है। तो मतलब कहने की मोटी मोटी बात ये है, जो भैया इसके बाद भैया ने अपग्रेड किया उसमें ब्लैक था और उसको जो है हमने पेंट कराया, ठीक है भाई। हाँ। पहले जो है ये बॉडी कलर ही आता था, ठीक है भाई। तो आप लोग अलॉय व्हील का अगर बजट नहीं बनाना चाहते और आप चाहते हैं आपका काम बढ़िया हो जाए, तो क्या ये मारुति जेन्युइन है? मारुति जेन्युइन है, ठीक है। मैं आप लोगों को, ठीक है भाई, कौन सी गाड़ी के भाई? बलिनो के हैं, इग्निस वाले मुझे पसंद नहीं थे तो मैंने बलिनो। अच्छे लग रहे हैं भाई, मतलब थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। तो हितांशु एक चीज बताओ, जैसे अब बहुत सारी ऑडियंस जो है हमारे साथ जुड़ती है जो एलॉय का बजट नहीं रखते, तो भैया हमारे पास स्विफ्ट के ओईएम है, स्विफ्ट के ओईएम है आपके, बलिनो के ओईएम है, इग्निस के ओईएम है, अर्टिका के ओईएम है, सबके अवेलेबल है, ठीक है भाई। जिनका बजट थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है, अगर इसमें अलॉय व्हील डलवाना तो भी है, सब कुछ चलना है हमारे भाई, इग्निस के भी सारी जेन्युइन एसेसरी, साइड फिटिंग, डोर वाइजर, सब ओरिजिनल, सब ओरिजिनल है। वेरी नाइस, स्पॉइलर भी मैं दिखा दूंगा, स्पॉइलर भी अपने पास, स्पॉइलर भी है, ठीक है। ये लॉक हो जाता है इसमें, इसके साथ ये दिक्कत है, ये जो आफ्टर मार्केट सेंटर लॉकिंग होती है थोड़ी देर बाद अपने आप लॉक होती है, अच्छी चीज है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने जैसे ही ओपन किया तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर फोल्डेबल मिरर और इसका जो है स्विच देखने को मिल जाएगा, ये भी ओईएम लगाया है। अब भाई कमाल की बात क्या है, इस गाड़ी में कंपनी वाले तक आप लोगों को जो पावर विंडो लगा के देते हैं वो अजीब सी दिखने वाली होती है, अजीब से दिखने वाली होती है और इतनी होती है, वो केवल इतनी होती है, इतनी होती है। तो भाई ये इंडिया की पहली इग्निस है, ऑन यूट्यूब पहली इग्निस है, ऑन यूट्यूब पहली है भाई, देख रहे हो क्या तोड़ू काम कर रखा है भाई, लॉक अनलॉक ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलता है, ठीक है। ये ग्लॉसी आपने करवाया है क्या है? ये हमारा है खुद का, ये आपका खुद का, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये जो अपना पावर विंडो जो था रियर डोर में नहीं था, इसमें रियर डोर में हाथ होना तो घुमाने वाला, वही मैं दिखाऊंगा आपको, अभी दिखाएंगे आप आगे कवर करते हैं फिर उसके बाद। तो इस गाड़ी में जो हमने स्टेयरिंग डाला, एक बार कस्टमर को बुलाओ भाई, भैया और भैया को बुला लो, ठीक है भाई। तो भैया अभी आ रहे हैं, मैं आपको मिन माइल जो है इसकी चीजें चेक कराता हूँ। तो भैया इसमें स्टेयरिंग में जैसे आपका कवर नहीं आता था, मतलब सॉरी स्टेयरिंग में कुछ बटन ही नहीं आते थे, बिल्कुल कोरा स्टेयरिंग था, तो ये स्टेयरिंग आपका ही है, इन्होंने अलग डाला है? नहीं, स्टेयरिंग वही है, इसमें कंट्रोल्स इन्होंने लगाए हैं, ठीक है भाई, कंट्रोल्स इंस्टॉल करे हैं, एवरीथिंग इज वर्किंग। बट मैं किसी को सजेस्ट करूंगा, अगर लगवाना हो तो पूरा स्टेयरिंग चेंज करो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वो थोड़ा सा वो ब्रांड न्यू आता है, ये थोड़ा यूज होता है भैया, ठीक है भाई, ये चीज करेक्ट भाई, बजट आपको होगा वो ऊपर जाता है, बढ़िया है कि उसमें पूरा अपने सेफ रहता है, ठीक है भाई। इस सब की फिटिंग जो है बिल्कुल फिट एंड फाइन है, अगर आप यहाँ से देखोगे एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ये इसका ये भी टॉप मॉडल का लग जाता है? हाँ, इसका टॉप मॉडल का हो जाता है, ये भी हो जाएगा, ये भी मैं दिखा, थोड़े बजट, थोड़ा बजट बना के अगली बारी देख रखा है ऑनलाइन, उसका सब कुछ प्लग एंड प्ले ही है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये भी आप अपग्रेड करा सकते हो, आपने इतने पैसे लगा दिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ चाहे 6 महीने बाद कराना, लेकिन भाई ये करवाना जरूर, ये मैं करवाने जरूर वाला हूँ इसको, ठीक है। और कुछ चीजें हैं अभी और मैंने करवानी, कोई बात नहीं, बजट बनाते रहो, काम करते जाओ, ठीक है, धीरे धीरे चलते रहेगा, वेरी नाइस, ठीक है। इसके बाद इस गाड़ी में स्क्रीन कोई आती थी भाई? नहीं, इसमें बिल्कुल ब्लैंक आता है, कुछ नहीं आता, ब्लैंक आता है। इसमें हम लोगों ने हाइपरसोनिक का, यानी कि जो अपना पीसोनिक ब्रांड है, जो अपना को एक तरीके से सिस्टर और फादर ब्रांड आप लोग समझ सकते हो, वैसा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मुसाफिर एश्योर्ड है और ये अपने घर का ब्रांड है, ये मेरे घर का ब्रांड है भाई, ठीक है। तो मेरे को इसके ऊपर 100% की एश्योरिटी है, आप लगा लो कभी भी जिंदगी में, कोई भी कंप्लेंट आती है हम लोग खड़े हैं इसके लिए, ठीक है। और यहाँ से अगर आप लोग इसको ऑन करते हो तो आपकी ऑटो डिम जो है आपकी स्क्रीन हो जाती है। हेडलैम्प के अगर रिस्पांस के बारे में बात करते हो आप लोग, सो देयर यू गो, दिस इज हाउ इट लुक्स द सेटअप, ठीक है, ये आप लोगों के सामने है। आप लोग कैसे भैया, सेटिस्फाइड हो इसकी एलईडी से? हाँ, एलईडी से मैं सेटिस्फाइड। और आप बिलोंग कहाँ से करते हैं थोड़ा बता दीजिए? मैं रोहतक से हूँ, जो कि रोहतक से बिलोंग, 70 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारे हरियाणा स्पेशल वीडियो है? हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है भाई। तो हमारे हरियाणा से जितने हमारे भाई देख रहे हैं, रोहतक से अपना बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि अपनी पढ़ाई लिखाई भी रोहतक से हुई है, तो हम लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ है कि भाई थोड़ा जुड़ा हुआ है, एमडीयू जो होता है ना वो उनके साथ जुड़े हुए, तो हम लोगों को इस चीज़ के बारे में, ठीक है। ये नॉब बहुत छोटी चीज़ है जो आप लोग अपग्रेड करा सकते हो, ठीक है, ये इसमें चेंज हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो भैया को ये आप हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री दे दो, दे देते, ठीक है भाई, ये हमारी तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है भाई, ये आप लगवाओ। और आप में से कोई भी अगर आ रहा है तो सबके लिए नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री, भैया के लिए, भैया के लिए मैंने करवाया, क्योंकि भाई भैया बहुत दूर से आ रखे और भैया ने काफी हमारे लिए इंतजार भी किया, ठीक है। तो ये लाइट जो थी ये एलईडी थी या क्या हमने अपग्रेड किया? इसमें येलो लाइट आती है तो फिर मैंने इसको एलईडी करवाया। बहुत बढ़िया भाई, एलईडी वाले जो है लाइटिंग का पूरा सेटअप आपको लगा के दे दिया। अब ये हम लोगों ने ब्लैक जो है आता है करवाया आपने? नहीं, ये ब्लैक आता है, मेरे को ब्लैक ही पसंद था ये, तो वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है भाई, देखने बढ़िया लग रहा है। कुछ भैया का ऑडियो अपग्रेड या कुछ किया? ऑडियो में किया हमने, इसमें ऑडियो फील का कंपोनेंट डाला है जो फ्रंट में, ठीक है, पीछे डीडी का जो डी सीरीज है वो कोएक्सल डाल दिया होगा जी, वेरी नाइस। उसके बाद इसमें एक एम्पलीफायर डाला जो किकर का,
ठीक है, और एक यूनिट है अपना पी सोनी का, पर कुछ डिक्की खुला हुआ है, डिक्की एक बार बंद करके आओ। ठीक है, ये आप लोगों को अगर आपको मूविंग कैमरा लगाना है तो आप वो भी लगवा सकते हो, आप लोगों के बजट के अकॉर्डिंग की वर्किंग है। क्लैरिटी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, कई सारे लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन फट रहा है, भैया इतनी बड़ी स्क्रीन 9 इंची की लगा के घूम रहे हो तो भैया रेजोल्यूशन फटेगा ही फटेगा, जितना भी बड़ा बंदा बता रहा हो, लेकिन इसी समझ जाना। अब ये कुछ पावर सॉकेट्स भी आप लोगों को प्रीमियम मिलने लग गए, ये भैया ने लगाया आप खुद आपके खुद के? मैंने भैया से लिया था। ये भी कैसा है, इसकी चार्जिंग की पावर कैसी है? चार्जिंग की पावर अच्छी है, बट ये थोड़ा सा ना जो इसका ये है मतलब चिपचिपा हो गया, चिपचिपा सा हो गया, और ये फर्स्ट डे से ही है। फर्स्ट डे से तो भाई ये पीस ऐसे ही है, ये आती है ऐसे सारे पीसों में ऐसे ही है। तो ये मतलब आया सील पैक था, भैया ने सील मेरे सामने खोल के दी थी, बट ये उसी नहीं ऐसा सारे पीसों में ही। और बस एक थोड़ा सा ना इसका वैसे बहुत मेजर इशू तो नहीं है ये, बट ये अच्छा इसमें आपका चार्जर भी है, चार्जर भी है। हाँ ये पीछे के लिए है चार्जर, एक ही बार लगाया था और उसी में ही मतलब ये टूट गया, ये उसी में ही टूट गया एक ही बार। तो भाई ये वाला हम लोग रिकमेंड थोड़ा कंप्लेंट में डालेंगे, इसको ओके रिपोर्ट करना है क्योंकि अच्छी चीजें ही नहीं दिखाता हूँ मैं। ये भैया अब मैं क्या कहूँ, कंपनी ऐसे दे रखी क्या करें, तो कंप्लेंट है तो भाई ये दिखाएंगे। कौन से ब्रांड का था? मेगा ऑडियो का था भाई। तो ये चीज अब आप लोगों के सामने, क्वालिटी आपके सामने है, ये आप लोग खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं, देखो ये हमारा स्टॉक है, ये स्टॉक को हमने अपग्रेड किया और आप लोगों के सामने देखो, वेरी नाइस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड रो की तरफ। तो इसमें केवल हाथ से घुमाने वाला आता था, तो इसमें हम लोग हाथ से घुमाने वाला था। ठीक है, यहाँ पे हमने टूटर रिप्लेस कर दिया वैसे। ठीक है, ये तो ऐसे डमी लगाया कैसे? नहीं नहीं, वर्किंग है ये, इसको भैया ने बंद कराया। अच्छा, इसको भैया ने बंद कराया, वैसे ट्रेवल ज्यादा हो रहा है क्योंकि आगे भी कंपोनेंट है, पीछे भी कोएक्सल है, उसमें भी इनबिल्ट टूटर है, तो इसलिए उन्होंने बंद कराया। ये आपकी पावर विंडो, ये पीछे पावर विंडो हो गया। ठीक है, तो इसके स्पॉइलर आप लोगों के बजट में अगर आप लोग चाहो तो आप लोग अवेलेबल करा सकते हो। इसका बैक कैमरा हमने कहाँ लगाया? हमने ये लगाया। ठीक है भाई, बैक कैमरा इसका यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। और क्या चीज करी है भाई इसमें हमने? मेरे बेसिक ही काम है, ये सब हुआ है, कर्टन लगे हैं, फोम लगे हैं। अच्छा, रियर कर्टन भी दिखा दो एक बारी। अगर आप रियर वाइपर अपग्रेड कराना तो भी हो जाएगा। ठीक है, रियर वाइपर भी लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो, वो तो हम लोग अपनी प्रोजेक्ट कार में लगाएंगे। हाँ लगा रहे हैं प्रोजेक्ट कार में, सब कुछ लगा के दिखाऊंगा। पार्सल ट्रे नहीं था, पार्सल ट्रे डाली, पार्सल ट्रे भी इसके अंदर लगाई है। तो भैया के उसमें अच्छा खासा काम हो गया भाई। हाँ, बढ़िया काम, मतलब अच्छे पैसे स्पेंड भी किए आपने, तो 90,000 में आपने अभी देखा कि भैया का क्या क्या सामान जो है इसके अंदर लगा है। मैं फिर से रिपीट करके बताना चाहूंगा, और भी करवाने वाला हूं, और भी चीज अपग्रेड करूंगा। ठीक है, एक नॉब भैया को जरूर दे देना भाई। ठीक है, और बाकी भैया का सेंटर लॉकिंग वाला आवाज के साथ भैया इनेबल करा रहे हैं। और दूसरी चीज क्या थी? इंडिकेटर वाली चीज, तो भाई वो करवा सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नहीं, वो मैंने सोचा देता, बस वो इतना सारा काम होना तो उसमें मैं भूल गया थोड़ा। ठीक है, तो अब आप खुश हो कि नहीं हो जो काम इन्होंने किया? मैं खुश हूँ इसमें, क्योंकि आप रोहतक से आए हो भाई, भाई दूर से आए हो, हम दूर से लोग जो आते हैं उनकी सर्विस थोड़ी ज्यादा जरूरी है। अच्छे से खुश नहीं होंगे तो भैया बैठे हैं, आता रहूंगा, भैया ने श्योरिटी दे रखी है। चलो दे रखी भैया सबके लिए, वेरी नाइस। ठीक है, तो भाई ये सारी वर्किंग जो आज आप लोगों ने देखी है, ये हुई है हमारी कार मोड के अंदर। इग्निस बेस मॉडल गाड़ी लेके आओ, टॉप मॉडल बना के लेके जाओ। इग्निस के साथ ऐसा नहीं है, और भी गाड़ियों के साथ है, जैसे आप लोगों को वर्किंग अगर आपको करानी हो, अपना ब्रेजा सियाज भी करा लो, सियाज भी करा लो, सियाज फेसलिफ्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, बलिनो आरएस में करानी है तो बलिनो आरएस भी हो जाएगी, सब कुछ है, मतलब किट वेट लेके सब कुछ, ऑलमोस्ट गाड़ियां सारी हो जाएंगी। और स्विफ्ट और बलिनो तो अपना तो किंग है। ठीक है भाई, तो आप लोगों को प्यार मोहब्बत फुल पावर है। भाई ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया क्योंकि टाइम दिया थोड़ा हम लोगों को, टाइम देना पड़ता है काम के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए। काम अगर अच्छा कराना है टाइम चाहिए। ठीक है, कैसी लगी? टाइम दिया ये चीज़ है। ठीक है, भैया ने पूरा टाइम दिया। भैया को मैंने मतलब ये नहीं करा कि भैया करो करो जल्दी, कोई नहीं, थोड़ा बहुत मैंने पुश जरूर किया, बट ये नहीं कि मैंने कहा कि भैया जल्दी करो। बढ़िया काम, मैं बहुत पर्सनली भैया से भी खुश हुआ क्योंकि भैया ने टाइम बहुत अच्छा दिया। और कुछ कस्टमर्स जल्दीबाजी करते हैं, उनके कामों में 100% दिक्कत आती है। मैं बताऊं तो मेरे को ना, मैं इग्निस करना नहीं चाहता था, मेरा मूड नहीं था करने का। ठीक है, बट स्पेशली भैया के लिए मैंने ओरिजिनल पावर विंडो की इस गाड़ी। क्या बात है भाई, तो भाई आपके लिए हुआ। ठीक है, और भैया ने जैसे कहा टाइम है, अभी भैया ने मेरे को आने से पहले बता दिया था, जब मैं लास्ट टाइम आया था भैया ने आने से पहले बता दिया था, अभी रियर पावर विंडोज के मेरे पास पैनल नहीं है, तो आप 2-3 दिन बाद आना। मैंने कहा नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, बट उसके लिए मैं दोबारा आ जाऊंगा, मैं भैया के पास दोबारा आया दोबारा। क्या बात है भाई, तो भाई ऐसे ही प्यार मोहब्बत रहनी चाहिए। सो गाइज, भाई की गाड़ी में जो है सेंटर लॉकिंग का जो आपका हॉर्न वाली चीज होती है वो कनेक्ट हो चुकी है। सुनाइए भाई, ये आपका लॉक हो गया, अनलॉक कीजिए। बढ़िया हो गया, पहले से तो बहुत बेटर है। हाँ, पहले से बेटर है, वो टुक टुक से तो है ना, बढ़िया हो गया। और भाई साथ ही साथ में आपका जो गियर नॉब था वो भी आप लोगों का जो है लग गया भाई के लिए। और अब ये लग रहा है साइड वाला, ये बोला था हम, देखते वो फरारी वाला मांग रहे, फरारी वाला अभी है नहीं।
अभी कौन सा वाला है? वो फिर क्रोम वाले ये भैया को पसंद है, जो आपको हर चलो कोई आती है, नेक्स्ट टाइम करवा लेना भैया। हाँ वो नेक्स्ट टाइम में करवा लेना। पार्किंग हुई है कार मोड रानी बाग के अंदर, नंबर एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है, नंबर फ्लैश हो रहा है, बात कर सकते हैं। कोई सी भी गाड़ी तैयार करानी है ये लोग आपकी पूरी 100% मदद करेंगे। वक्त लेके आना, वक्त कम लेके आओगे काम खराब हो जाएगा, वक्त ज़्यादा लेके आओगे काम अच्छा हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल काम दिल्ली से जितने बाहर से लोग आ रहे हैं एक दिन का स्टे बना लेना, ठंड का टाइम है थोड़ा सा अपना आराम से चलना, चिल माइंड चलना, और गुस्से से कुछ नहीं होता, प्यार मोहब्बत से काम होता है। ठीक है, आज की है ना, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम मुसाफिर तक गया, फेसबुक मुसाफिर कार्स। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।